हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इस समय दिल्ली में स्थित खाटू श्याम धाम में, जो कि दिल्ली में स्थित श्री खाटू श्याम जी का एक विशाल मंदिर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यहां पर पहुंच सकते हैं, साथ ही यहां पर घूमने में कितना खर्चा आएगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम, यहां आने के लिए सबसे पहले पहुंचना होगा आपको दिल्ली। यदि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो यहां का नजदीकी मेट्रो स्टेशन है नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन, और यदि आप दिल्ली जंक्शन पहुंचते हैं तो यहां का नजदीकी मेट्रो स्टेशन है चांदनी चौक। यह दोनों ही मेट्रो स्टेशन येलो लाइन पर स्थित हैं। यहां से आपको पहुंचना होगा जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, और इस सफर का किराया लगभग 40 से 50 रुपए का होता है। यह येलो लाइन की मेट्रो आपको समयपुर बादली की ओर ले जाती है। समयपुर बादली येलो लाइन का अंतिम स्टेशन है। मैंने अपनी यह यात्रा चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से शुरू की। मेट्रो का यह सफर आपके समय की काफी बचत करता है। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पर उतरकर आपको नीचे की तरफ ई रिक्शा और ऑटो खड़े हुए मिल जाएंगे, जो कि बुकिंग पर आपको 100 रुपए में मंदिर तक पहुंचा देते हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बस का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसका की किराया मात्र 10 रुपए का होता है। यह इलेक्ट्रिक बस अलीपुर की ओर जाती है। मंदिर जाने वाले यात्रियों को यह बस बीडीओ ऑफिस बस स्टैंड पर उतारती है। मैंने भी इलेक्ट्रिक बस का उपयोग किया और मात्र 10 रुपए में बीडीओ ऑफिस पहुंच गया। बीडीओ बस स्टॉप से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की होती है। आप चाहें तो यहां से ऑटो बुक करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय था तो मैंने अपनी यह 2 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही शुरू कर दी। तो जी, थोड़ी सी वॉकिंग करते हुए अभी बस पहुंचने ही वाले हैं हम खाटू श्याम जी के मंदिर में। वैसे अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां से कुछ ई रिक्शा या रिक्शा बुक करके ही आएं, क्योंकि ट्रैवलिंग में फैमिली के साथ थोड़ा सा ये अनसेफ रहता है। और फाइनली मैं पहुंच गया श्री खाटू श्याम जी के विशाल धाम में, जो कि दिल्ली में स्थित है। यह है मंदिर का बेहद ही खूबसूरत प्रवेश द्वार। मंदिर परिसर में जूते चप्पल उतारने के लिए बाहरी व्यवस्था की गई है, साथ ही यहां पर आप अपना बैग वगैरह भी जमा कर सकते हैं, और इसके बाद शीतल जल से हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। बैग और जूते जमा करने के लिए आप अपनी श्रद्धा से जो भी चार्ज देना चाहें दे सकते हैं। प्रवेश द्वार पर लगी यह रेलिंग रिंगस मंदिर की याद दिलाती है। मंदिर की खूबसूरती का प्रवेश द्वार से ही विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आपको ऐसे लाल और पीले फूल पूरे मंदिर परिसर में लगे हुए दिखाई दे जाएंगे। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले 221 किलो अष्टधातु से निर्मित चरण चिन्ह देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर तिलक लगवाकर मैं भी चल दिया आगे की यात्रा पर।
मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की यात्रा निश्चित ही आपको आकर्षक लगी होगी और मैं जल्द ही अगली वीडियो में मंदिर परिसर के अंदर के सुंदर दृश्य और बाबा श्री खाटू श्याम जी के दर्शन की वीडियो लेकर आऊंगा।